trying to take the lunch. Bolo? Just trying to take the lunch. I don't give any message, like taking out cards. Okay, if you want me to use these cards, give me King of Wands or Queen of Wands. If you want me to just give a message using some other deck, give me Empress or Hermit again. You want me to do like a proper reading using these cards? Give me King of Wands or Empress or Hermit. You can give Hermit. Okay, let me. Guys, I think we will have a message. और मैं दूसरे कार्ड्स देख रही हूँ, शायद कृष्णा या गीता डेक में से मैं कोई मैसेज निकाल के आप लोगों को देती हूँ. बिकॉज मैंने इस वीडियो को इसीलिए डाल दिया सो दैट यू नो कि देर इज़ अ मैसेज दैट सुशांत रियली वॉन्ट टू कम वॉन्ट यस can see him with tower. Okay, he really wants a message to come to you guys. कुछ तो बहुत strong illusion हो रही है या बहुत strong illusion जो है वो break हो रही है. It feels like there is a message regarding it. So let me just pull out cards and give you the message. Okay, thank you. Guys, मैंने योगिनी cards लिए हैं और गीता और कृष्णा deck and मैं सिर्फ message निकालने लगी हूँ कि क्या message है. सो लेट मी सी व्हाट सुशांत वांट्स टू टेल अस. मैं पहला योगिनी ही ले रही हूँ. सो लेट मी आस्क सुशांत व्हाट इज द मैसेज दैट यू. ओके सो लेट मी सी इफ आई विल शफल वंस अगेन, क्योंकि अभी नया डेक है तो पंच पूरा गिर जा रहा है. ओके लेट मी सी सुशांत व्हाट यू वांट अस टू, सुशांत व्हाट यू वांट अस टू नो. ये दुनिया एक टांग पे खड़ी है वह भैरव के रूप में, आस्किंग यू द क्वेश्चन एज टू व्हाट डू वी नीड टू नो. सुशांत प्लीज टेल अस व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट डू यू वांट अस टू नो. ओके सो कुछ कार्ड आए हैं. लेट मी, ये वाला कार्ड मैं बाद में उठाऊंगी, पहले ये उठा लेते हैं. विंध्यापदा पहला कार्ड है और मैं ये बुक से भी आपको कार्ड्स बताऊंगी फॉर श्योर, क्योंकि अभी आए हैं नंबर 18. सेकंड कार्ड जो है वो थोड़ी सी लाइटिंग का तरला पदा. ओके विंध्या पदा तरला पदा और शुक्र पदा. ओके सो ये तीन जो हैं ये कार्ड्स आए हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिस तरह की इन कार्ड्स की इमेजेस हैं, जिस तरह की ये कार्ड्स हैं विंध्या जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे नीचे एक बर्ड आपको दिखाई देगा और ये पर्वत वाली एनर्जी जो है मुझे लग रही है, स्ट्रांग एनर्जी, स्ट्रेंथ एनर्जी, पावर एनर्जी. और यहाँ पे इनके हाथ में चक्र, मतलब एक शिला है जिसमें चक्र टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. और यहाँ पे तरला पदा है और तरला यहाँ पे एक ग्रास हॉपर जो है वो आपको दिखाई देगा छोटा सा. नीचे एक लोटस जो है, फूल जो है वो ऊपर आ रहा है और इनके एक हाथ में शंख है. और यहाँ पे शुक्र पदा है और यहाँ पे आपको त्रिशूल भी दिखाई दे रहा है. इट फील्स लाइक ये बहुत ज़्यादा तीन एनर्जीज जो हैं एक साथ इकट्ठी मुझे बहुत स्ट्रांग तरीके से दिखाई दे रही हैं. और दिस इज 18, 19 and 23. सो सबसे पहले देख लेते हैं 18 यहाँ पे. और ये जो एनर्जी है 18 की ये बोलती है ओके इनके हाथ में मिरर है और मिरर में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सुदर्शन चक्र जैसी इमेज जो है वो दिखाई देती है. ट्रांसफॉर्मेशन और बर्ड के थ्रू वो पैसेज करते हैं और बर्ड जो होता है वो डेफिनेटली एक एनर्जी होती है जो स्काई की एनर्जी या फ्लो की एनर्जी होती है. तीसरा जो इनका हाथ है उसमें एक उनके हाथ में एक स्कल है और वो खाली स्कल है. सो यहाँ पे इफ यू सी फ्लावर, राइट हैंड में फ्लावर है, मिरर है, फ्लावर है, दोनों राइट हैंड्स में मिरर और फ्लावर है. लेफ्ट हैंड में मेस है और एक एम्प्टी स्कल है.
ओके सो ये जो कार्ड है ये बर्ड ऑफ पैसेज, सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बताता है. और ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारी लाइफ में अकर होगी अगर हम उसको डिजायर करेंगे. और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज ये है कि हमें सुपरफिशियल लेवल पे नहीं रहना है और जो डिवाइन एनर्जी है उसकी सर्कुलेशन को एक्सपीरियंस करना है. सबसे पहले तो ऐसे लग रहा है जैसे प्री कंसीव नोशन जो है उनको खत्म करने को सुशांत बोल रहे हैं. एंड इट इज वेरी क्लियर मैसेज दैट अब हमें कंप्लीटली होलो हो जाना है, एम्प्टी हो जाना है, कंप्लीट साइलेंस में चले जाना है ताकि हम सारी साउंड्स को पहचान पाएं, सारी एनर्जीज को पहचान पाएं, सारी चीज़ों को पहचान पाएं जो हम सबके हमारे आसपास हो रही हैं. दूसरा जो है तरला पदा है. तरला जो है उनका पैशन जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना है, टू गो एंड फ्रो. सो उनका व्हीकल जो है क्रिकेट है. यहाँ पे ये क्रिकेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ग्रास हॉपर या क्रिकेट. और वो जो रेड लोटस है वो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड में उठाया है, शंख जो है राइट हैंड उठाया है. वो ऑस्पिशियस टर्मर्स और मूवमेंट्स, ऐसी मूवमेंट्स जो हैं वो करती हैं जो फिजिकल और मेंटल चेंज लाते हैं. उनकी वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो साउंड की एनर्जी है क्योंकि वो काउंच जो है उसको ब्लो शंख जो है उसको बुला बजाती हैं या क्रिकेट जो होते हैं वो भी आवाज करते हैं. और वो चेंजिंग नेचर या चेंजिंग सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने में हेल्प करती हैं और हमारे सेंटर को बैलेंस रखने में हेल्प करती हैं. अब ये दोनों एनर्जीज भी हो, 2 मिनट बेटा, ये दोनों एनर्जीज मुझे इस तरह के दिखाई दे रही हैं. अच्छा, दोनों एनर्जीज इस तरह के दिखाई दे रही हैं वेयर ही इज वेरी क्लियरली सेइंग कि हमें सेंटर्ड रहना पड़ेगा, हमें बिल्कुल बैलेंस, चाव पी लो, हमें बिल्कुल बैलेंस रहना पड़ेगा. और तीसरा जो एनर्जी है यहाँ पर वो शुक्र पदा की एनर्जी है. 4 आर्म्स है राइट हैंड में, उन्होंने एम्प्टी स्कल, यहाँ पे भी एम्प्टी स्कल है, सिंबलाइजिंग व्हाट वी शुड बी. मतलब हमें बिल्कुल एम्प्टी रहना पड़ेगा सो दैट जो भी एनर्जी, जो भी चीजें हैं वो हम उनको क्लियरली देख पाए, सीड्स ऑफ विजडम जो है वो ग्रो हो पाए. उनके हाथ में एक मिरर भी है और इसका मतलब है रिफ्लेक्शन नहीं देखनी है. इट इज जो ब्राइटनेस है वो आपके अंदर है, मिरर में नहीं है. तो रिफ्लेक्शन जो आपको दिखाई दे रही है उसको देखना बंद करना है. और इट इज एन एनर्जी जहां पे हमें अपनी रिफ्लेक्शन नहीं, अपनी अंदर की एनर्जी को देखना है. उनके लेफ्ट हैंड में वो स्कल जो है वो ब्लड के साथ फिल्ड है. इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी जो है डिवाइन एनर्जी के साथ फिल्ड होनी चाहिए. उनका पावर, उनके अंदर पावर है हमें सोर्स तक ले जाने के लिए, हमारी बॉडी को एक्सपैंड करने के लिए. त्रिशूल जो है वो डिवाइन एनर्जी, विल पावर, विजडम और एक्शन जो है उसको दिखाते हैं. और इसका मतलब है दैट चीजें जो है वो क्लियर होने वाली हैं, ब्राइट होने वाली हैं. वो सीड्स हैं, सीड है मैनिफेस्टेशन और क्रिएशन की. लेकिन आप उन चीज़ों को तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप बिल्कुल बैलेंस होंगे, बिल्कुल एम्प्टी होंगे. और ये लास्ट जो है यहाँ पे ये विश्यारम की एनर्जी है, नंबर 17 की. यहाँ पे एक स्नेक आपको दिखाई देगा, बहुत स्ट्रांग एंड शीज, एक डमरू उनके हाथ में है, एक स्नेक है और नंबर 17 की एनर्जी है ये. और लेट मी शो दिस ऑल्सो. तो ये जो एनर्जी है ये बहुत सिंपल एनर्जी है. ये बोलती है कि डिस्ट्रॉयज द अटैचमेंट ऑफ आर बॉडी लाइक पॉइजन. हमारे शरीर के साथ जो हमारी अटैचमेंट है वो पॉइजन की तरह है. मटीरियल चीज़ों के साथ जो है अटैचमेंट है वो पॉइजन की तरह है. और ये जो है ये एनर्जी बोलती है अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहिए, अपनी फिजिकल बॉडी जो है उसको उसके बारे में सोचना छोड़कर अपने एक्चुअल एनर्जी के साथ जो है वो कनेक्टेड रहिए. ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, मेडिटेशन में जाना है, फिजिकल सेंसेशंस जो है उनको ज़्यादा स्ट्रांगली फील नहीं करना है. बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है एकदम हमारे आसपास होने वाली हैं, बहुत सारे चेंजेस एकदम. इतनी जल्दी जल्दी सुशांत नहीं कनेक्ट करते हैं यूजुअली, बट बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे आसपास होने वाली हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना है. तो जो आपके बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो चीज़ें होंगी, जो मिरर्स आपको दिखाए जाएंगे, जो चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, प्लीज़ उनसे इम्पैक्ट ना होइए. अपने आप को बैलेंस रखिए. एक रिन्यूअल है आपके अंदर, एक एनर्जी है रिन्यूअल करने की. और ये ऐसे लग रहा है जैसे ये स्नेक को एक तरह से इन्होंने पकड़ लिया है या इनका उसका स्नेक का मुंह इन्होंने पकड़ लिया है. इसका मतलब है कि जो पॉइजन है उसको फैलना देना या नहीं फैलने देना आपके अपने हाथ में है. तो उस पॉइजन को अब बिल्कुल ना फैलने दें, इस पॉइजन को बिल्कुल ना फैलने दें. लेट मी सी कृष्णा कार्ड से क्या बोलना चाहते हैं वो. सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से फ्रॉम कृष्णा.
Okay. Stay connected within. Again, the same energy. Connect with the divine within you. Sit quality, quietly, चुपचाप बैठिए, अपने आंखें बंद कीजिए, अपने माइंड को काम कीजिए. आपके आंसर्स जो हैं आपके अंदर आपको मिल जाएंगे. अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए. ये तीनों चारों कार्ड जो हैं ये इनर कनेक्टिविटी बता रहे हैं और ये भी इनर कनेक्टिविटी बता रहे हैं. हो सकता है कि जब आप अपनी इनर एनर्जी के साथ कनेक्ट हों, आप मेडिटेशन में जाएं, तो आप सुशांत के साथ कनेक्ट कर पाएं. मुझे ऐसा लगता है जैसे ही इज देयर. ये सुबह से किसी कुछ मैसेजेस भी आए हैं, कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जहां पे उनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है. मैंने भी एक ट्वीट लिखा है, उसमें भी उनकी प्रेजेंस जो है वो दिखाई दे रही है. और यहां पे भी वो प्रेजेंस आप तभी देख पाओगे जब आप मिरर, जो आउटर 3D वर्ल्ड है, उसमें देखना बंद करोगे और इनर में जाओगे, तब आप उस प्रेजेंस को फील कर पाओगे. यू कैन रियली फील हिज प्रेजेंस टुडे. ओके. यस, कॉन्करिंग लस्ट की एनर्जी जो है वो आई है और ये मोहिनी एनर्जी है, राइट. और हम जानते हैं कि मोहिनी रूप लेकर उन्होंने क्या किया था और अमृत जो है देवताओं को चला गया था, राक्षसों को अमृत नहीं मिल पाया था. और ये एनर्जी है जो बोलती है कि अब राक्षस वाली एनर्जी से बाहर आना है, जो वर्ल्डली चीजें हैं उनसे बाहर आना है. और जब आप उन वर्ल्डली चीजों से, वर्ल्डली एनर्जी से बाहर आएंगे, तब आप उनकी एनर्जी को, उनके असली रूप को पहचान पाएंगे. हो सकता है वो अपने असली रूप में ना हो, जैसे कृष्ण जो है या विष्णु जो है वो मोहिनी रूप में आए थे, तो हो सकता है वो आप अपने असली रूप में ना हो. लेकिन आप कैसे पहचान पाएंगे? आप पहचान पाएंगे जब आप अपनी वर्ल्डली एनर्जीज को बैलेंस करेंगे. इनवर्ड देखेंगे, आउटवर्ड नहीं देखेंगे, लेकिन स्टिल पहचान पाएंगे. एक कार्ड जो है मैं यहां से वाइस वर्सा से ले लेती हूं. हियर ब्यूटिफुल विश फुलफिलमेंट सेलिब्रेशन और 10. इफ यू सी यहां पे, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक अनाउंसमेंट का कार्ड है फॉर समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर. जो दूसरा कार्ड है यहां पर, दैट इज सेलिब्रेशन. ये लोग जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. यहां पे एक छोटा सा कबूतर है एंड यहां पे इफ यू सी तो नंबर 10 की एनर्जी जो है वो साफ दिखाई दे रही है. 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. देयर इज दिस गाय स्टैंड सिटिंग और दो लोग जो है उसके सामने खड़े हुए हैं और वो एनर्जी बहुत बहुत क्लियर इंडिकेट हो रही है. सो आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट सुशांत जो है वो कहीं आसपास ही हैं, उनकी एनर्जी कहीं आसपास ही है. और ये वो रियली चाहते हैं कि अब हम जो मिरर्स हैं, जो जिनमें हम कैद हैं, जिन मिरर्स की एनर्जीज को हम लगातार देख रहे हैं, उन मिरर्स की एनर्जी से हम बाहर आ जाएं. नंबर 10 द सनराइज, नंबर 7 स्टैंडिंग योर ग्राउंड. आई वॉन्टेड टू सी इफ आई कैन एम्प्रेस. ओके, आई वॉन्टेड टू सी इफ आई कैन जस्ट सी हिज कार्ड सो दैट वी आर. सो मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रॉब्ली यू विल नॉट बी एबल टू सी हिम लाइक हिम. यू विल नॉट बी एबल टू सी हिम लाइक हिम. हिम लाइज इन एज इन सुशांत, सुशांत. बट यू विल स्टिल बी एबल टू सी हिम, लेकिन नॉट आउटसाइड. डोंट लुक आउटसाइड, लुक इनसाइड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट लुक आउटसाइड. यस, सी, डोंट लुक आउटसाइड, लुक इनसाइड. ही इज देयर इन द वर्ल्ड अराउंड यू. लुक इनसाइड, अगर आप अपने अंदर ढूंढोगे तो आपको डेफिनेटली वो दिखाई देंगे. इट इज लाइक, यस, इट इज एग्जैक्टली लुकिंग इनसाइड. बाहर नहीं, अंदर देखना है. ओके, पीहू ने बोला चांस निकालने हैं, तो मैंने प्लान तो नहीं किया था, बट ये भी प्लान नहीं था. वीडियो अचानक से हो गया. आई जस्ट पिक्ड अप सम कार्ड्स एंड आई सॉ किंग ऑफ सोर्ड्स. दैट मीन्स दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं वो शो हो रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में शो हो रहे हैं, विच मीन्स दैट ही इज गोइंग टू कम इन सम. एंड यू सी द हर्मिट इज ऑल्सो हियर. सो he is going to come in some different way. It is just to give you that light, just to show you that energy. And that's the only thing that I would want to tell you. And charm nikalna hai, rakh do. Aur main aapko charm jo hai wo pihu ke haath se nikalwati hu. Ek minute, eyes band karo. Aur eyes band karo pehle. Eyes band karo. Only one charm. De do. Thank you. So here, see again, wahi energy hai. Scissor hai. कट थ्रू द वर्ल्डली नॉड्स दैट यू हैव. दुनियादारी, दुनिया बाहर की चीज़ें देखना, उसके थ्रू उसके उसको कट करना पड़ेगा. कृष्ण एनर्जी है या कल की एनर्जी है, मोर की एनर्जी है. बट मोर जब अपनी ही एनर्जी में गुम होता है तो नहीं देख पाता है. इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए. बाहरी ब्यूटी जो है उसको मत देखिए. एंड देन देर इज अ सेलिब्रेशन, देर इज दैट स्पायरल, देर इज दैट पाइन, देर इज दैट फायर क्रैकर. तो ऑटोमेटिकली एनर्जी ऐसी है जहां पे आप डेफिनेटली उनको आज महसूस कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली महसूस कर सकते हैं, अगर आप वर्ल्डी या बाहर की एनर्जी से अपने आप को कट कर लेंगे और अपने अंदर जो है वो देख पाएंगे. और यहाँ पे आई सी दैट हनी बी फ्लाइंग. और यहाँ पे वो शील्ड, वो अटैचमेंट या वो एबिलिटी जो आपको मिल सकती है, लाइक इट इज लाइक कंप्लीटिंग योर टास्क. रखो सिर्फ वन और टू.
यस सो यस पीहू ने बड़े वाले दो चांद निकाल दिए, बाहर का चश्मा उतार दीजिए, दुनियादारी का चश्मा उतार दीजिए, लिसन टू द म्यूजिक इनसाइड यू, लिसन टू द साउंड्स इनसाइड यू, बाहर के हार्ड रॉक से थोड़ा सा अलग हो जाइए। आज जरूर मेडिटेट कीजिएगा, हो सकता है मेडिटेशन में आपको कोई मैसेज जो है वो सुशांत से बहुत क्लियर मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज, और ये मैं सुशांत की पिक्चर के साथ या सुशांत के उससे नहीं डालूंगी, बिकॉज दिस इज हाउ ही गिव इट, लाइक इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हिम हिम, इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट हिम। तो मैं नॉर्मल मैसेज की तरह डालूंगी, इफ़ यू आर मेंट टू गेट दैट मैसेज, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जिनको सुशांत के साथ कनेक्ट होना है, जिनके साथ सुशांत कनेक्टेड है, तो यू विल सी दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मेक इट रीच अदर्स, थैंक यू, बाय बाय।